कालाडूंगी में हाथियों का उत्पात, कई घरों में की तोड़फोड़, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। नैनीताल के कालाडूंगी क्षेत्र में हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। हाथियों के उत्पात की घटनाएं इस क्षेत्र में आम हो चली हैं। शनिवार की रात भी कुछ ऐसा ही नजारा यहां देखने को मिला। इस दौरान हाथियों के एक झुंड ने जमकर न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि कई घरों को नुकसान भी पहुंचाया है। हाथियों के झुंड की आबादी में घुसने से ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए घरों से निकलकर भागने लगे। इसके साथ ही हाथियों के झुंड ने गांव में फसल को नुकसान पहुंचाया। कई ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर सामान इधर उधर बिखेर दिया। स्थिति ऐसी, हाथ जंगली जानवर ने यहाँ जीना हराम कर रखा है हमारा। अपना गुजर गुजर हम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके आते हैं, शाम को अपने घर में रहते हैं। रात में 1:30 बजे रात से हम परेशान हैं इस तरह से। हाँ, 50,000 के ये मंगल दल के बर्तन हमने अपने अंदर रखे हैं, इनका नुकसान इसका क्या होगा। 50,000 का हमने ये प्लांट लगा रखा है मशरूम का, और रात के 1:30 बजे से हम परेशान हैं, इसका क्या होगा, इसकी भरपाई कौन करेगा, कैसे जिए हम इस जंगली गांव में। हैं, हाथी के लिए कोटाबाग में हाथी मारा, उसका पोर्टरूम आश्रम हुआ, उसका इलाज हुआ, इंसान मर जाएगा उसके लिए कोई सुनाई नहीं है। कैसी सरकार है, कैसे वन विभाग वाले हैं, 1:30 बजे रात से हम परेशान हैं। हैं, कुछ सुनाई तो करो हमारी। हम तो, हमारे लिए तो इस धाबले गांव में जीना मुश्किल कर दिया, बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया। कैसे रहे हम यहाँ, इतना हमने प्लांट अपना मेहनत मजदूरी करके ये प्लांट लगा रखा है, 1:30 बजे रात से हाथी ऐसा घूम रहा है। वहीं धापला प्रधान दयानंद आर्या ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। इससे पहले भी हाथी कई बार ग्रामीणों के घरों में तोड़फोड़ कर चुके हैं। प्रधान दयानंद और ग्रामीणों ने गांव में चारों तरफ चार दीवारी बनाने की भी मांग की है। ग्राम पंचायत धापला में कल हाथियों द्वारा बहुत सारा नुकसान किया गया, जिसमें 2-3 मकान हाथियों द्वारा ध्वस्त किए गए। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी हाथी द्वारा ध्वस्त की गई। वन विभाग को बार बार इसका संज्ञान देने के बाद भी वन विभाग की तरफ से कोई भी इसमें संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमने कई बार कहा गया है कि इसमें हाथी दीवार बनाया जाए, सोलर फेंसिंग इसमें कामयाब नहीं हो पा रही है। सोलर फेंसिंग को भी हाथी तोड़ के फेंक दे रहे हैं, और इस तरह का अगर लगातार हाथियों का आतंक रहा तो कभी जान माल का नुकसान भी हो सकता है। यह जिम्मेदारी वन विभाग की होनी चाहिए। आपको बता दें कि आए दिन हाथियों के झुंड के द्वारा मुख्य हाईवे को भी पार करते समय यहां जाम लगने की स्थिति बनी रहती है। हाथियों के झुंड को इधर उधर गांव के आसपास देख और तोड़फोड़ की घटनाओं समेत फसल के नुकसान को देखते हुए क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।